Hello friends, welcome to Aqua Life. If you are a fish lover, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon down below. हेलो दोस्तों, आज तक बहुत सारे क्रिएटिव एक्वेरियम आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन आज जो देखेंगे आप लोग वो एक सैमसंग गैलेक्सी टैब के पीडीए से बनाया गया एक एक्वेरियम है जो कि बहुत खूबसूरत है। तो ये एक्वेरियम बनाने में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, क्या क्या प्रोसीड्यूर से ये बना है, इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। तो आइए देखते हैं ये एक्वेरियम कैसे बना है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिलिकॉन है और ये सिलिकॉन गन है। ये सैमसंग गैलेक्सी टैब का पीडीए है जो कि एक क्रिएटिव एक्वेरियम बनाने के काम आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं वो मास्किंग टेप है, ये आपको कोई भी हार्डवेयर के दुकान में मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये मास्किंग टेप पीडीए के चारों ओर लगाया जा रहा है क्योंकि इसके बाद जो सिलिकॉन लगने वाला है ये पीडीए में चिपक ना जाए इसीलिए। और ये जो आप ग्लास देख रहे हैं वो एक्वेरियम का बेस है जो कि तीनों लेयर में बनने जा रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो पहले हम लोग इसमें सिलिकॉन चिपका के पहला बेस के ऊपर दूसरा बेस लगाने की तैयारी कर रहे हैं और बीच में थोड़ा सा गैप रखे हैं। ये गैप क्यों रखा है, ताकि बाद में इसके अंदर एलईडी स्ट्राइप्स लगाया जाए। तो आप देख सकते हैं एक्वेरियम का बेस पूरा तैयार है। ये एक्वेरियम अंडरग्राउंडेड लाइट से कवर रहेगा। ये जो गैप देख रहे हैं ना, इसी में एलईडी स्ट्रिप्स लगेगा। तो आइए देखते हैं ये एक्वेरियम पूरा कैसे बनता है। तो पहले साइड ग्लास को लगाना पड़ेगा, इसीलिए सिलिकॉन थोड़ा यूज करेंगे हम लोग। ये सिलिकॉन लगा के साइड वाला ग्लास चिपकाए हैं। और ये थोड़ा उंगली में सिलिकॉन लेके पीछे वाला जो ग्लास है उसको साइड वाले ग्लास के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको थोड़ा सिलिकॉन ज़्यादा लगा के उससे एडजस्ट करने के लिए चिपका रहे हैं। और ये ग्लास ठीक से सेट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम लोग ये मास्किंग टेप यूज़ कर रहे हैं ताकि ग्लास पूरा ठीक ठीक जगह पे बैठ सके। और इसी तरीके से दूसरा साइड भी हम लोग कवर कर लिए हैं। आप देख सकते हैं तीनों साइड कवर हो चुका है और ये मास्किंग टेप भी लगा दिया जा रहा है ताकि ग्लास एक जगह से ना हटे। ये जो क्रिएटिव एक्वेरियम आप देख रहे हैं ये तीनों लेयर का है, इसमें से आखिरी लेयर में ये पीडीए लगेगा। तो आइए पीडीए को ठीक तरीके से एडजस्ट करते हैं ताकि ये एक्वेरियम देखने में और भी खूबसूरत लगे। तो ये पीडीए को एडजस्ट कर लिए हैं हम लोग और इसके चारों ओर मास्किंग टेप लगाया जा रहा है ताकि एडजस्टमेंट ठीक तरीके से हो जाए। आप देख सकते हैं ऊपर का जो व्यू है ये क्रिएटिव एक्वेरियम का अंदरूनी हिस्सा पूरा दिखाई दे रहा है।
और ये जो मास्किंग टेप लग रहा है चारों ओर, इसके वजह से पूरा सामने वाला हिस्सा या साइड वाला हिस्सा एकदम मजबूत रहेगा और ठीक तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये एक्वेरियम के चारों ओर मास्किंग टेप लगाया हुआ है। ये इसीलिए लगाया गया है ताकि एडजस्टमेंट ठीक तरीके से हो जाए। और ये सिलिकॉन है जो कि एक्वेरियम के अंदर से कोने कोने में लगाया जा रहा है ताकि जो एक्वेरियम के अंदर जो पानी रहेगा वो बाहर ना आ सके। और आप ये देख लीजिए इसको कैसे लगाना है ताकि आप जब बना सके तो ठीक तरीके से बने। तो ये एक्वेरियम के कोने कोने में सिलिकॉन लगा दिया गया है और उसके लगाने के तुरंत बाद ही जो मास्किंग टेप हम लोगों ने पहले लगाया था उसको उठा लीजिएगा। और क्योंकि ये ज़्यादा देर तक अगर रहेगा तो सिलिकॉन का जो गम है उसके वजह से ये मास्किंग टेप उठ नहीं पाएगा और बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं ये एक्वेरियम लगभग तैयार है और ये जो आप देख रहे हैं वो बैकग्राउंड सीनरी का है। तो इसको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा ठीक तरीके से। तो देखते हैं कैसे करते हैं। इस सीनरी को काट के अभी देख रहे हैं साइज में कुछ फर्क होगा कि नहीं। तो ये साइज से ठीक ही है और इसके चारों ओर पीछे से सिलिकॉन गम लगा दिया जा रहा है ताकि ये ग्लास के साथ बैकग्राउंड में पूरा फिट आ जाए और दिखने में और भी खूबसूरत लगे। तो सिलिकॉन तो लगा दिया गया है, अब इसको थोड़ा अच्छे से बैकग्राउंड में चिपका दिया जा रहा है। तो देखिए आप देख सकते हैं ये पूरा तैयार है एक्वेरियम। ये जो होम बटन है आप देख सकते हैं और ये फेविक्विक है। तो ये होम बटन जो आप पीडीए देख रहे हैं तो पीडीए के सामने वाले हिस्से में लगेगा। तो इसको पहले फेविक्विक से थोड़ा पेस्ट करके अब उसी जगह पे लगाना पड़ेगा ताकि ये दिखने में पूरा मोबाइल का ही जैसा लगे सामने से। तो आप देख सकते हैं ये क्रिएटिव एक्वेरियम के साथ साथ एक मोबाइल भी लग रहा है और ये 4 वोल्ट डीसी एलईडी स्ट्रिप्स है और ये मोबाइल चार्जर कनेक्टर है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसको यहाँ पे शोल्डरिंग करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये शोल्डरिंग हो चुका है और ये एक्वेरियम के पीछे वाले जो हिस्से हैं जो पहले गैप रखे थे ये देख सकते हैं आप। तो इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा और ये गम से ये पूरा जगह सील कर देना पड़ेगा ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके और ये आसानी से बाहर भी ना आ सके। अब ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ भी बन चुका है। तो ये सिलिकॉन ठीक तरीके से लगा देने की वजह से ये पूरा एकदम सटीक जगह पे बैठ गया है। इसको थोड़ी देर रखने से ये पूरा अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब जो एक्वेरियम है उसके अंदर ये छोटे छोटे व्हाइट वाले स्टोन्स डाल सकते हैं थोड़ा डेकोरेशन के लिए। और वैसे भी ये स्टोन्स ये इन एक्वेरियम्स का शोभा बढ़ाते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। आप देख सकते हैं कैसे कैसे ये स्टोन किस किस जगह पे बिठाया जा रहा है। ज़रूरत के हिसाब से आप ये डाल सकते हैं।
ये चार्जर है, इसको जो पीछे जो कनेक्टर है उसके साथ आप कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्लग में लगा के स्विच ऑन कीजिए। आप देख सकते हैं जो एलईडी स्ट्रिप्स है वो जल रहे हैं, तो देखिए कैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं, अब उसमें पानी डाल के मछली भी जब छोड़ेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, ये आपका क्रिएटिव एक्वेरियम पूरी तरीके से तैयार है। आप इसको घर में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए।